हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम एक लड़की को देखते हैं जो रेसिंग कोर्ट में बैठे सभी लोगों का 42वें एक्सट्रीम फ्लैश कॉम्पिटिशन में वेलकम करती है, जिसका नाम येगी होता है और ये इस लाइव रेस की होस्ट होती है। फिर हमें रेसर्स को दिखाया जाता है जो रेस के लिए रेडी होते हैं, तो वहीं येगी दो मिस्टीरियस न्यू वाइव्स के बारे में बताते हुए उन्हें अपना लेटेस्ट राइजिंग स्टार्स बताती है, जो कि ज्यू और शेनुनियाओ होते हैं। फिर हम ज्यू को देखते हैं जो शेनुनियाओ को थैंक्स कहता है। इस पर वो कहती है कि अगर तुम मेरा थैंक्स करना चाहते हो तो तुम मेरी इस बाइक की कीमत अदा कर सकते हो। इस पर वो भी राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फी ज्यू से अपने बताए हुए ट्रिक्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मुझे वो याद है, बट तुम्हारे आंखों के नीचे ये डार्क डार्क क्यों है। जिस पर वो बताता है कि वो सारी रात रेस के लिए रूट मेमोराइज कर रहा था और वो ज्यू को उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है, जिस पर वो उसे इडियट बोलता है क्योंकि वो इस रेस को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहा था और शायद यही उसकी हेल्प करने वाला था। फिर हम ज्यू और शेनुनियाओ के पीछे दो रेसर्स को देख पाते हैं जो कि शार्क टूथ रेसिंग टीम के मेंबर्स होते हैं और वो भी ज्यू की बाउंटी के लिए आए होते हैं। तो वहीं हम होंगेन को भी देख पाते हैं जो इन दोनों से ज्यू को डराने के लिए मना करती है। इसके बाद येगी इस रेस के हाईलाइट प्लेयर के बारे में अनाउंस करती है और स्ट्रेंज मैन बुली का रेस में वेलकम करते हुए कहती है कि क्या आज ये इस रेस के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा। इधर हम ज्यू को देखते हैं जो बुली को डिफीट करने के बारे में ही सोच रहा होता है, तो वहीं येगी रेस को स्टार्ट करने से पहले रूल्स को क्लेरिफाई करती है, जिससे हमें पता चलता है कि प्लेयर्स उन्हीं इक्विपमेंट्स और वेपन्स को यूज कर सकते हैं जिन्हें कॉम्पिटिशन से पहले रजिस्टर किया गया हो। इसके अलावा किसी भी स्किल का यूज बैन होगा, साथ ही साथ रेस ट्रैक को डैमेज करना भी रूल्स ब्रेक करना माना जाएगा। फिर वो बताती है कि अगर कोई प्लेयर किसी डेंजरस सिचुएशन को फेस करता है तो वो अपनी कलाई के इमरजेंसी एस्केप डिवाइस को प्रेस करके एस्केप कर सकता है। इसके बाद येगी इस रेस को स्टार्ट कर देती है। रेस के स्टार्ट होते ही सामने एक पोर्टल अपीयर हो जाता है, जिसे क्रॉस करते ही वो लोग एक रैंडम मैप में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर हम फी को देखते हैं जो ज्यू को रेस के लिए गाइड कर रहा होता है। तभी ज्यू के पीछे होंगेन के साथी आ जाते हैं और वो ज्यू और शेनुनियाओ पर अपने वेपन्स के साथ अटैक कर देते हैं, जिस पर फी शेनुनियाओ को अलर्ट करता है, जिससे शेनुनियाओ अटैक को डॉज कर जाती है। तभी पीछे से फी अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और वो ग्रेट शार्क टूर टीम को पीछे रहकर कवर देने के लिए कहती है, क्योंकि उसने इस स्टाफ को अरेंज करने के लिए काफी सारे पॉइंट्स खर्च किए थे और वो इन्हें इतनी आसानी से इतनी जल्दी से रेस से बाहर नहीं होने देना चाहती थी। फिर वो अपनी गन निकालते हुए सोचती है कि ज्यू इतनी बड़ी शॉट को लेकर इस रेस में क्यों आया है। फिर वो लोग इन पर अपनी गन से फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस पर शेनुनियाओ ज्यू से कुछ करने के लिए कहती है, तो इस पर ज्यू फी से किसी और रास्ते के बारे में पूछता है ताकि वो थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर सके, जिस पर फी कुछ सोचने के बाद 10 सेकंड में स्पीड जंप लेने के लिए कहता है, जिस पर शेनुनियाओ मना करती है क्योंकि उनके आगे एक शार्प टर्न होता है, जिस पर फी उनको उस पर ट्रस्ट करने को कहता है और सही टाइम आने पर फी के इशारा करते ही वो दोनों जंप कर जाते हैं। इन्हें जंप करता देख होंगेन भी शॉक हो जाती है और नीचे देखने पर पता चलता है कि वो लोग दूसरे ट्रैक पर जंप कर गए थे। तो वहीं फी खुश होते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि इस रास्ते के नीचे एक सीक्रेट रास्ता है। ये सुनकर ज्यू को थोड़ी हैरानी होती है कि फी ने सिर्फ 10 सेकंड में इस रास्ते को भी खरीद लिया। फिर वो इस बात को छोड़कर रेस पर फोकस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम होंगेन को देखते हैं जो अपनी साथियों से ज्यू को नेक्स्ट जंक्शन पर रोकने के लिए कह रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ज्यू ऊपर से अपनी बाइक के साथ जंप मारते हुए अपनी शॉट से होंगेन के एक साथी पर अटैक कर देता है, जिससे उसे इमरजेंसी एस्केप करना पड़ता है। बट उसके एस्केप करने से पहले ही शेनुनियाओ उससे उसकी गन ले लेती है, तो ये देखकर होंगेन उन पर फायरिंग करते हुए उन्हें स्लिपरी बास्टर्ड बोलती है, जिसे ये लोग एज अ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। फिर हम येगी को देखते हैं जो ज्यू और चिलिंग रेसिंग ग्रुप की रेस को देखकर ऑडियंस को बताती है कि ये लोग रेसिंग के साथ साथ फाइटिंग में भी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो वहीं वो बुली के बारे में बताती है कि वो अब भी लास्ट प्लेस पर बना हुआ है, जबकि लास्ट ईयर वो थर्ड रैंक पर था। ये सुनकर बुली सोचता है कि अब उसे ऑब्जर्व करना छोड़ना होगा और सोचता है कि लास्ट ईयर एंशिएंट एल्केनी ने टॉप रैंक हासिल किया था और उस टाइम सभी प्लेयर्स भी एलिमिनेट हो गए थे, और कहता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ वो अपनी बाइक का एनिहिलेशन मोड एक्टिवेट करते हुए दूसरे रेसर्स पर मिनी मिसाइल को दाग देता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।